जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सुबह सुबह क्यों उठाऊँ। वैसे सुबह उठना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है, और सुबह सुबह 6:30 बजे मतलब यहाँ पे बारिश भी लगना शुरू हो चुकी है। तो आज मैं बिल्कुल तैयार होकर कहीं जा रहा हूँ। देखिए मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज रिकॉन्क्वियो चलते हैं और थोड़े से मज़े करते हैं, रिकॉन्क्वियो बाज़ार घूमते हैं, और साथ ही साथ साक्षी यानी कि मेरी सिस्टर का एडमिशन हो चुका है कॉलेज में। तो एडमिशन हो चुका है तो क्लासेस भी लगने वाली है, तो क्लासेस आज से लगेगी। वैसे आज तो वैसे पहुँचेंगे नहीं, मे बी कल से जाएगी। तो वहाँ पे साक्षी के लिए हॉस्टल भी रखा हुआ है। आज यहाँ पे पूरी पैकिंग कर ली साक्षी की, कपड़े कपड़े बैग वैग बिल्कुल फिट कर लिया। आज हॉस्टल में पहला डे होगा साक्षी का, देन हम सामान पहुँचाने भी जा रहे हैं। गाइस बने रहना, आज मैं निगुलसर से लेकर रिकॉन्क्वियो का पूरा सफ़र दिखाऊंगा आपको गाड़ी के द्वारा, छोटी कार के द्वारा। तो बने रहना इस ब्लॉग के साथ, और बाकी आपको मैं सुबह का व्यू दिखाना चाहता हूँ मैं आपको गाइस। सुबह 6:30 बजे का व्यू इस प्रकार से, मतलब पहाड़ी व्यू कुछ ऐसा होता है, हिमाचली का पहाड़ी व्यू। जैसे कि इन बादलों को देख सकते हैं गाइस, कैसे चिपके हुए बादल पहाड़ों में, बिल्कुल चिपक गए हैं। बहुत शानदार व्यू, और यहाँ से ऊपर तो जंगलों के बीच तो बहुत ज़्यादा धुंध है। सो गाइस यहाँ पे पूरा सामान पैक कर लिया गया है साक्षी का, तो वो मैं दिखाता हूँ मैं। और मैंने भी अपना बैग पैक कर रखा है। हाँ जी हाँ गाइस, हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे चिंपू आई है। वह चिंपू यहाँ देखिए, पूरा सामान पैक हो चुका है। सो गाइज भाई को उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई के पास गाड़ी की चाबी है, तो उठाना ही पड़ेगा। भाई अभी सोए हैं, उठाता हूँ भाई को। सो गाइज देखिए, नींद से मैंने जगा लिया भाई को। है चाबी रखी हुई, घूम तो नहीं गई। सुबह सुबह जब सुबह उठ के शक्ल होती है ना लोग, ये देखो चेहरा, नींद का चेहरा, नींद का चेहरा कुछ ऐसा होता है। देखिए मिल गई चाबी। हेलो, गुड मॉर्निंग चिंपू, गुड मॉर्निंग। सो गाइज मेरे को तो ये सबसे बड़ा वाला बैग उठाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा भारी है, भारी है तो काफी। 20 किलो का है शायद। जी हाँ दोस्तों, मेरे लिए 20 किलो का बैग है, इसे उठाना पड़ेगा। सो गाइज बने रहो इस ब्लॉग के साथ, अभी फिलहाल चलते हैं। रास्ता बहुत ही अभी का बहुत ही गीला गीला सा होगा, पूरा घास वाला एरिया होगा, तो पैरों में लगेगा मुझे घास। तो क्या करना, अब चलना पड़ेगा सड़क तक, तो पैदल चलना पड़ेगा, देन वहाँ से जाएंगे हम गाड़ी में। अब मैं आपको NH पे ही दिखाऊंगा सारा वीडियो, निगुलसर से PO तक का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, चल पड़े हैं अब हम पीठ में। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पीठ में कितना बड़ा बैग है, कम से कम हाँ जेब में चाबी। तो गाइस चलते हैं, ठीक है बाय। ठीक है दोस्तों, अब नीचे मिलते हैं आपको, NH में ही मिलते हैं। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल देख के चलना पड़ेगा, अगर मैं फिसल गया तो पूरे गिले गिले ग्रास में गिर जाऊँगा। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं अपने गांव से जाऊँगा मैं रिकॉन्क्वियो। सो गाइज हम फाइनली माता दुर्गा के टेम्पल में पहुंच चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे भंडारा खाया, सुबह सुबह बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बना हुआ था, माता जी का प्रसाद मिला हमें, बहुत अच्छा लगा। तो हमने यहाँ पे दर्शन करे, देन उसके बाद हमारा सफ़र फिर से शुरू हुआ। आई होप जब भी आप यहाँ पे आओगे ना, सीरियसली दोस्तों यहाँ पे माथा जरूर टेक लेना, ताकि आपका आगे का सफ़र बहुत बहुत अच्छा रहे। जी हाँ दोस्तों, माता जी के दर्शन करने के बाद भंडारा भी हमने खाया, बड़ा अच्छा मज़ेदार भंडारा था, मज़ेदार चने थे और मज़ेदार चाय। तो उसके बाद हम चल पड़े
क्योंकि माता जी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है माता त्रंडा दुर्गा जी के। सो गाइज अब हम चल पड़े हैं, अब दिखाऊंगा आपको मैं यहाँ का त्रंडा ढाका। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिकोंगपियो और मेरे साथ हैं यहाँ पे उमेश। सो गाइज निगुलसरी से लेकर रिकोंगपियो का आपको मैंने मतलब रास्ता दिखाया यहाँ पे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बता देना कि किन्नौर का सड़क कैसे है, किन्नौर की सड़क कैसे है तो बता देना, और यहाँ का व्यू कैसा है सब कुछ बता देना। फिलहाल अब हम जाएंगे रिकोंगपियो कॉलेज, दिखाने को तो कुछ रहा ही नहीं है मेरे पास क्योंकि रिकोंगपियो मैंने इतने बार दिखा दिया आपको। सो काम तो अपना जारी ही रहेगा। फिर उमेश कैसी है एग्जाम की तैयारी? बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों ये है रिकोंगपियो का बाजार, काफी खूबसूरत बाजार। गाइस अभी बज चुके हैं 9:15, तो फिलहाल अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि लगे हैं बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि हम सुबह के 6 बजे के निकले हैं, तो पेट पूजा तो होनी चाहिए, अगर पेट पूजा नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। सो हमारे परांठे भी आ चुके हैं, दिखाता हूँ। सो गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह के बहुत ज़्यादा भूखे हैं हम। सो गाइस हमारा पेपर भी हो चुका है तो आपको दिखाऊँगा कॉलेज की न्यू बिल्डिंग, रिकोंगपियो कॉलेज की न्यू बिल्डिंग कुछ ऐसी है। सो अब हमने जाना है घर, अभी जाना पड़ेगा हमको न्यू बस स्टैंड, वहाँ से हम लेंगे बस। सो फाइनल गाइस हम बैठ चुके हैं बस में,
और साथ ही साथ घर की ओर जा रहे हैं। पूरा दिन हमारा बहुत ही बिजी रहा, तो फाइनली अब घर में पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, देखिए रश कितना होता है यहाँ पे प्राइवेट बस में। निगुलसरी से रिकॉम्पियो का सफ़र दिखा दिया, सड़क कैसी है, कितनी शानदार सड़क है, वो सब कुछ दिखाया। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? आज मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाए। निगुलसरी से लेकर रिकॉम्पियो तक का बहुत अच्छे अच्छे व्यू भी मैंने आपको दिखा लिए। तो फाइनली गाइस, मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ और सिंपू ने हमें देख लिया, भौंक रही है सिंपू। देखिए फाइनली सिंपू से मिलाता हूँ। सिंपू कैसी है? देखिए मेरा स्वागत कुछ ऐसे करती है सिंपू। सिंपू सिंपू दे दे, अरे दे, अरे दे,